इन टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस मोनोटोनिक सीक्वेंसेस, मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो देखो राजे, चार चार तरह की मोनोटोनिक सीक्वेंसेस हैं। नंबर वन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। इनमें क्या होगा राजे, नेक्स्ट टर्म, एवरी नेक्स्ट टर्म वो ग्रेटर होगी या इक्वल हो सकती है पिछली टर्म्स, ठीक। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग में राजे क्या होगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसमें राजे नाम से क्लियर ना राजे, डिक्रीजिंग तो अगली टर्म, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से लेस हो सकती है या इक्वल हो सकती है, ठीक। मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली, ठीक है, ये वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, भाई इसमें क्या होगा, नेक्स्ट टर्म ग्रेटर देन ही होनी चाहिए पिछली टर्म्स, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक, सभी सभी एन के लिए। एंड मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, इसका क्या रूल है भाई, नेक्स्ट टर्म लेस ही होनी चाहिए पिछले टर्म से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ये नोट कर ले जल्दी से सभी। हाँ जी, नोट कर लिया राजे, ओके। तो इसके बाद राजे एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स, चलो मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। नंबर वन, जैसे मैंने ये वाली सीक्वेंस लिख दी, ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस लिख दी, सारी टर्म्स कांस्टेंट है, 5 5 5, ठीक। ठीक है, तो बताओ राजे क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है ये वाली सीक्वेंस, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस क्या मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यस और नो, यस इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। देखो मैं आपको दोबारा से बता दूं राजे, क्यों मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, इसकी राजे कंडीशन ध्यान से देखो, अगली टर्म जो है, जो नेक्स्ट टर्म है, वो प्रीवियस टर्म के या तो बड़ी हो, और इक्वल टू का भी तो साइन है, इक्वल टू का साइन है क्या इसमें, है ना। तो देखो राजे, कांस्टेंट सीक्वेंस में क्या होगा राजे, नेक्स्ट टर्म पिछली टर्म से बड़ी तो नहीं है, नॉट एट ऑल, इक्वल जरूर है, तो इसने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन सेटिस्फाई की है, ठीक है। अब सोच समझ के बताना क्या ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, यस और नो, यस, ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी है क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई की है। क्या ये बाउंडेड है,
ठीक, क्या ये बाउंडेड है? बाउंडेड के भी मैं दो कॉलम बनाऊ, है ना, बाउंडेड के भी दो कॉलम होने चाहिए वैसे तो, ठीक है। एक तो राजे बाउंडेड अबाउ, एक राजे कॉलम होना चाहिए बाउंडेड बिलो। ठीक है, एक अबव एक बिलो, तो ये अबव भी है और बिलो भी है, ठीक। अच्छा, दूसरी मैं चलो एक और सीक्वेंस देता हूं आपको, ये वाली है ना, 1 2 3, ये वाली सीक्वेंस चेक करो राजे, क्या ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है? ठीक है, डिक्रीजिंग नहीं, ठीक है, डिक्रीज नेक्स्ट टर्म तो इंक्रीज ही हो रही है ना, एवरी नेक्स्ट टर्म इज इंक्रीजिंग, इज ग्रेटर देन द प्रीवियस टर्म। क्या ये बाउंडेड अबव है, यस और नो? वेरी गुड, ये बाउंडेड अबव नहीं है। क्या ये बाउंडेड बिलो है? यस, है ना, किसके साथ बाउंडेड बिलो है ये? वन से, है ना, वन के साथ बाउंडेड बिलो। सिमर आपको समझ आ गया ये वाला, सेकंड वाला? ओके, चलो 1/n की स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, ठीक, तो हम डिस्कस कर रहे थे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। तो पहली सीक्वेंस क्या डिस्कस की थी भाई? कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है, डिक्रीजिंग भी है, बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक। नंबर टू, हमने कौन सी सीक्वेंस डिस्कस की थी? एन वाली, ठीक है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यस, डिक्रीजिंग नो, बाउंडेड अबव नो, बाउंडेड बिलो यस। 1/n वाली सीक्वेंस, पहली टर्म 1, दूसरी टर्म 1/2, तीसरी टर्म 1/3, ठीक है। बताओ राजे, क्या ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है? वेरी गुड, डिक्रीजिंग, वेरी गुड, बाउंडेड अबव, यस, ठीक है, वेरी गुड, बाउंडेड बिलो, वेरी गुड, यस, बाउंडेड वाला दोबारा, ठीक है। तो बाउंडेड देखो राजे, बाउंडेड दो तरह से हो सकती है, बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो। तो अबव में क्या है राजे, सपोज आपको एक सीक्वेंस गिवन है, ठीक, तो ये बाउंडेड अबव कब होगी? जब आपको एक एम मिल जाए, देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू रियल नंबर, नंबर वन, ये कंडीशन है, एक कैपिटल एम जरूर मिले, रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। नंबर टू, सीक्वेंस की सारी टर्म्स उससे लेस होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, ठीक है। एंड बाउंडेड बिलो में क्या है, इसमें भी राजे कंडीशन क्या है, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एम बिलोंग्स टू रियल, नंबर टू,
सीक्वेंस की सारी टर्म इससे बड़ी होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, ठीक है? तो जैसे राजे ये वाली सीक्वेंस है ना, अच्छा ये नोट कर लिया आपने? ओके, जैसे ये वाली सीक्वेंस है ना वन बाय एन वाली, इसकी पहली टर्म वन, दूसरी टर्म वन बाय टू, तीसरी टर्म वन बाय थ्री, वन बाय फोर, ठीक है? तो अगर इसे नंबर लाइन पर बनाए राजा, ये वन पहली टर्म, फिर वन बाय टू दूसरी टर्म, ये ए वन, ये वाली ए टू, ठीक? फिर कुछ थोड़ा सा आगे जाके ए थ्री, फिर थोड़ा सा और, मतलब सॉरी पीछे जाके ए फोर, डिक्रीजिंग सीक्वेंस है ना ये, पीछे की तरफ जा रही, ठीक है? मेरे को ये बता दो बस, क्या ये कभी जीरो को क्रॉस करेगी? क्या इसकी जो टर्म्स है क्या कभी नेगेटिव आएंगे, यस और नो? जीरो है ना, जीरो मतलब जीरो को क्रॉस ही नहीं करेंगी। जीरो को क्रॉस करने का मतलब क्या है? नेगेटिव टर्म्स आएंगी, पर इसकी तो नेगेटिव टर्म आने वाली नहीं है। और क्या ये वन को क्रॉस करेगी? नहीं। तो ये देखो राजे, ये आपको कैपिटल एम मिल गया, ये आपको स्मॉल एम मिल गया, ठीक है? तो ये वाली जो सीक्वेंस है बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है। अच्छा अगर मैं इसकी जगह पर ये वाली सीक्वेंस लूं, ठीक है, ये देखो राजा, ये सीक्वेंस क्या बाउंडेड बिलो है? हाँ एक, ठीक है, तो बाउंडेड बिलो है, बाउंडेड अबव तो नहीं है। सिमर समझ आ गया आपको? ओके ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख ली बाउंडेड अबव बाउंडेड बिलो की। ओके ठीक है, तो ये अब नेक्स्ट वाला आप बताना भाई, नंबर फोर वाला। ठीक ये वाली फोर्थ वाली सीक्वेंस राजे, देखो ये इसको थोड़ा सा ओपन करो आप, ठीक है? टर्म बाय टर्म इसकी तीन चार टर्म्स निकालो और मेरे को बताओ क्या ये मोनोटोनी इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है? नहीं राजे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ना तो इंक्रीज कर रही है ना तो डिक्रीज कर रही है, ठीक है? आपने राजे ये कंडीशन मिस कर दी। देखो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? नेक्स्ट टर्म, ठीक है, नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म से बड़ी ही होनी चाहिए, ये कंडीशन मिस कर दिया आपने। फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सभी सभी टर्म्स पर ये रूल अप्लाई होना चाहिए, है ना? पर जो ये वाली सीक्वेंस है, हाँ देखो, एक टर्म, फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसकी? माइनस वन। दूसरी टर्म क्या आएगी? वन बाय टू। देखो यहीं पे रूल ब्रेक हो गया ना, ये इंक्रीज हुई, ठीक है, ये फिर डिक्रीज हो गई, रूल ब्रेक हो गया ना। सभी की सभी टर्म पिछली टर्म से बड़ी ही होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है, ठीक है? ना तो ये राजे इंक्रीजिंग का कंसेप्ट पास करेगी ये वाली सीक्वेंस, ना तो डिक्रीजिंग का। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहेंगे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। गेटिंग इट? ठीक है, इट इज
नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक, ये नोट कर लिया आपने। ओके, तो चलो मान लिया भी इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है, तो अब क्या ये बाउंडेड अबव है? नहीं, क्या ये बाउंडेड अबव है? नहीं, अच्छा एक थ्योरम की थी आपने एवरी कन्वर्जेंट, हाँ जी एक थ्योरम की थी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ऐसा कुछ थ्योरम पढ़ा पढ़ी आपने? कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड है ना। तो ये देखो राजे, ये जो सीक्वेंस है ना पूरी की पूरी बुक में, जब जब भी आपको राजे इस तरह का मिले -1 की पावर एन मिले, तो भाई इसके दो हिस्से कर देना, इवन के लिए अलग ओड के लिए अलग। ठीक है, इवन के लिए अलग ओड के लिए अलग। इवन के लिए क्या वैल्यू आएगी, 1/n आएगी, यस और नो? ओड ओड के लिए -1/n आएगी, यस और नो? ओके, ओड वाले रख, ओड वाले कहां कन्वर्ज कर रहे हैं? 0 पर। ओके, इवन वाले कहां पर कन्वर्ज कर रहे हैं? ये भी 0 पर कर रहे हैं। तो लिमिट लिमिट क्या आई राजे? तो दोनों की लिमिट सेम आई, यस और नो? ठीक है, तो अगर अगर क्या हो भाई, ओड वाले भी एल पर कन्वर्ज करे इवन, ठीक है, ओड टर्म्स एल पर कन्वर्ज कर जाएं, इवन टर्म्स एल पर कन्वर्ज कर जाएं, तो ये रूल है याद रखना, फुल सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी? इट आल्सो कन्वर्ज टू एल। तो भाई -1/n ओड वाली थी राजे, ये भी 0 पर कन्वर्ज कर गई, इवन वाली भी 0 पर कन्वर्ज कर गई, तो फुल सीक्वेंस क्या है, -1 raised to power n upon n, ये भी कहां पर कन्वर्ज करेगी? 0 पर। एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है भाई? है ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, कन्वर्जेंस इंप्लाइज बाउंडेडनेस। ठीक है, यस और नो? ओके, तो अगर अगर आपके दिमाग, अगर आपको कोई पूछ ले भी ये सीक्वेंस बाउंडेड है, तो अगर आप ये पहले चेक ही कर लो ये कन्वर्जेंट है, तो अपने आप ये बाउंडेड तो हो जाएगी। बाउंडेड का मतलब अबव भी है बिलो भी है। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। नोटेड, ओके, बाकी नो भी कर लिया। ठीक okay. है, चलो फिर ये बताओ राजे, हाँ जी, क्या ये फोर्थ वाला राजे, ये बाउंडेड अबव है? यस। और बाउंडेड बिलो है? यस। फोर्थ वाला भाई क्लियर है सभी को? ओके, सिमर क्लियर है आपको? ओके, तो ठीक है, नेक्स्ट राजे।
चलो बताओ राजे, फिफ्थ वाला मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, यस और नो? जल्दी बताएं। इंक्रीजिंग है नो, इट इज इंक्रीजिंग नो, इज इट डिक्रीजिंग नो, भाई ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है भाई ऐसा क्यों भाई? हाँ, ये इसमें क्या है, अगर मैंने आपको बताया ना राजे, जब भी -1 की पावर एन ना आ जाए ना राजे, तो इसके कितने हिस्से कर देने ने? दो हिस्से, इवन के लिए अलग, ओड के लिए अलग। देखो, इवन के लिए आ रहे हैं 1+1/n, ओड के लिए आ रहे हैं 1-1/n, ठीक है? तो सबसे पहले आ जाए, अगर मैं इसकी पहली टर्म देखूं, ठीक है, पहली टर्म ओड ओड वाली वैल्यू यहां से आएगी 1-1/2, अगली टर्म राजे 1+, नहीं गलत लिख दिया, 1-1/1, नेक्स्ट 1+1/2, नेक्स्ट 1-1/3, नेक्स्ट 1+1/4, ठीक है, ये इस तरह से जाएगी सीक्वेंस। अच्छा, पहली टर्म 0, दूसरी टर्म 3/2, नेक्स्ट टर्म 2/3। अच्छा ये देखो, अब ये पहले इंक्रीज हुई, 0 से 3/2 इंक्रीज हुई, फिर 3/2 से 2/3, ये तो कम हो गई। तो ऐसा थोड़ी होता है इंक्रीजिंग सीक्वेंस में या डिक्रीजिंग सीक्वेंस में, ऐसा थोड़ी होता है, कभी बढ़ा दो कभी कम कर दो, ऐसा नहीं होता भाई। तो ना तो इंक्रीजिंग है, ये क्या है, नीदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग, ठीक, ये नोट कर लो भी जल्दी। नोटेड, ओके okay। पर एक और रूल मैंने बताया था भी, ओड वाली टर्म्स अगर कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, एल पर, इवन वाली टर्म्स भी कहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, एल पर, तो पूरी की पूरी सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करेगी, फुल सीक्वेंस एल पर, है ना? तो 1+, अच्छा ओड वाली है 1-1/n, ये कहां पर कन्वर्ज कर रही है, 1 पर, इवन वाली कहां कन्वर्ज कर रही है, 1 पर, तो फुल सीक्वेंस क्या है, 1+-1^n अपॉन n, ये भी कहां कन्वर्ज करेगी, ये भी 1। अगर ये कन्वर्जेंट है, दैट मीन इट इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, एंड हेंस अगर कन्वर्जेंट है तो भाई बाउंडेड तो होना लाजमी है, बाउंडेड तो होंगी ही ये वाली सीक्वेंस, ठीक। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, नहीं, डिक्रीजिंग है, नहीं, बाउंडेड अबव है, यस, बाउंडेड बिलो भी है, दोनों है। अगर बाउंडेड वर्ड यूज कर दिया तो बिलो भी है अबव भी है, ओके। ओके नोट कर लिया राजा ये वाला, ओके okay। तो अबव है यस, बिलो है
यस -1 रेज टू पावर एन। जल्दी जल्दी बता दो राजा, इंक्रीजिंग है यस और नो, फटाफट बताओ। वेरी गुड, डिक्रीजिंग है। ओके, बाउंडेड अबव है। वेरी गुड, बाउंडेड बिलो है। वेरी गुड, ठीक है। सेवंथ राजे, होमवर्क होमवर्क है आपका। 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर एन ऑन एन होल पावर एन। ये राजे आपने चेक करना है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, ठीक है। एंड कन्वर्जेंट भी चेक करना है, इसका आपने कन्वर्जेंट भी चेक करना है। सेवंथ राजे, सीक्वेंस समझ आ गई। 1 प्लस माइनस 1 की पावर एन अपॉन एन, इसकी इकट्ठी पावर एन है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको, इकट्ठी पावर ठीक है। तो इसकी आपने 5 चीजें चेक करनी है। इंक्रीजिंग कुछ तो आपको पता चल ही गई होंगी ना राजे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों में से ये चीजें तो पता वैसे ही दिमाग में आ गई होंगी। तो बाकी बची बाउंडेड अबव, बाउंडेड बिलो एंड कन्वर्जेंट भी आपने चेक करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको कल बताऊंगा इसका, ठीक है, आंसर कल बताएंगे, ठीक। नोट कर लिया राजा ये वाला। ओके, तो इसके बाद देखो राजा, ठीक है, छोटी सी राजा थ्योरम है। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विथ जर्नल टर्म ए एन इज कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इट इज बाउंडेड अबव। एंड इसे राजे इंपॉर्टेंट थ्योरम समझो, क्योंकि ये वाली थ्योरम 2014 में आ चुकी है, ठीक। तो एग्जामिनर राजे पुराने क्वेश्चन जरूर रिपीट कर सकता है, जो पीयू के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम ध्यान से देखना आप, ठीक है। और क्या शो करना है, द लिमिट ऑफ दिस सीक्वेंस इफ इट कन्वर्ज इज, मतलब लिमिट क्या आएगी राजे, अगर कन्वर्जेंट है तो लिमिट क्या आएगी, वो आएगी LUB ऑफ दिस सीक्वेंस। स्टेटमेंट नोट कर लो भी जल्दी से। हाँ ओके, ठीक है, बाकियों ने भी नोट कर ली। ओके, देखो LUB राजे क्या है, मैं आपको बता देता हूं अभी, ठीक है। एक बार हम हाफ थ्योरम प्रूफ कर लें, फिर LUB बता देता हूं, ठीक है। तो पहला स्टेप राजे, मैंने सीक्वेंस मान ली, ठीक है, ये जो सीक्वेंस है मैंने कन्वर्जेंट मान ली। लेट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्ज टू ए, मान लो सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है, ए पर, ठीक है। तो थ्योरम राजे स्टेटमेंट तो लिख लीजिए सभी ने, शायद प्रूफ देख लो। लेट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस
विद जनरल टर्म ए एन कन्वर्ज टू ए, दैट मीन सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज कर रही है, ए पर। ठीक है, देखो कन्वर्ज कर रही है तो पक्का फिर किसी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट। ठीक है, कन्वर्ज का मतलब क्या राजे, ए एन और ए का डिफरेंस जो है वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक, ये नोट कर लिया आपने, जल्दी जल्दी ये नोट कर ले। अच्छा, मोड की प्रॉपर्टी यूज करके मैं लिख सकता हूं बी ए एन माइनस ए लाइज बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन, यस और नो? ओके, नोट कर लिया राजे ये वाला सभी ने? ओके, तो हम क्या करेंगे, ए ऐड कर देंगे, वी ऐड ए। ठीक है, सभी तरफ हम ए ऐड कर रहे हैं। ठीक, बस ये वाला पकड़ लो, ए एन लेस देन ए प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक, ये क्या है राजे, ये है ठीक है इंडियन इंडियन पीपल, और ये राजे इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, ये है इंडिया। ठीक है, इंडिया कहां पे शुरू हो रहा है, एम से आगे, एम से आगे इंडिया शुरू हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, ठीक है मुकेश अंबानी, इंडिया में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, मुकेश अंबानी। ठीक, तो क्या वो दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है, क्या मुकेश अंबानी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर है, यस और नो? नहीं है ना, तो बाकी देखो इंडिया शुरू कहां से हो रहा है, इंडिया कहां से शुरू हो रहा है, एम से, मतलब एम से पहले। ठीक, देखो एम से पहले कौन कौन से टर्म्स आएंगे, ए वन ए टू ए थ्री, ठीक ए एम माइनस वन। ठीक है, तो ये मान लो ये है बिल गेट्स, ठीक है ये आप मान लो इलोन मस्क, ठीक ये बाकी देशों के, ठीक है ये जैकमा मान लो जैकमा, तो ये इनके साथ हम किसको रखेंगे, इंडिया के सबसे अमीर आदमी को, इंडिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, ए प्लस एप्सिलॉन, ठीक ये अंबानी जी। ठीक है, तो इनमें से जो मैक्सिमम होगा, जो इनमें से मैक्सिमम होगा वो कौन होगा भाई, ये है वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन, मतलब इसकी जो नेट वर्थ होगी वो बाकी दुनिया के सभी लोगों से ज्यादा होगी, है ना। तो लोगों के लिए हमने क्या सिंबल यूज किया था, ए एन, ये है पीपल। ठीक, ये फिर लेस होंगे दुनिया के सबसे अमीर आदमी से, ठीक है दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, के, और फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सभी एन के लिए, ये मतलब क्या हो गया होल वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में सबसे अमीर आदमी कौन है, के। ठीक, ये नोट कर ले भी जल्दी से जल्दी। तो बताओ ना ये किसकी कंडीशन है, बाउंडेड अबव की कंडीशन है या बिलो की कंडीशन है,
सीक्वेंस अबव की, वेरी गुड। ये सीक्वेंस को क्या शो कर रहा है? सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव, ठीक। तो यही तो शो करना था, हाफ हाफ में हमने यही शो करना था। ओके नोटेड, ओके। कन्वर्स, कन्वर्स देखे राजे, हम मान रहे हैं भी ये जो सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली सीक्वेंस है, ठीक, जिसकी जनरल टर्म ए एन है, ये बाउंडेड अबव है, ठीक है। ये क्या है? बाउंडेड अबव है, ठीक। एंड हम लेट कर रहे हैं यू, क्या है इसकी? एल यू बी, एल यू बी, ठीक। तो एल यू बी का कंसेप्ट पता है आपको? लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है? यस और नो? देखो पता है कि नहीं पता, जल्दी बताएं। ओके ठीक है, तो मैं आपको राजे लीस्ट अपर बाउंड का कंसेप्ट समझा देता हूं, ठीक, ध्यान से समझना राजे, ठीक है। तो इसके लिए राजे आप कोई सीक्वेंस, अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगर आपके पास कोई क्या है सीक्वेंस, ठीक है, ये क्या है? एक सीक्वेंस, तो यू को मैं कहूंगा लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो इसमें राजा एक, इसमें ये लास्ट वाले दो वर्ड क्या शो कर रहे हैं? यूबी का क्या मतलब है? यूबी का क्या मतलब है भाई? अपर बाउंड, ठीक। यूबी का क्या मतलब है? अपर बाउंड, मतलब इसमें फर्स्ट क्वालिटी क्या होगी राजे? यू यू में फर्स्ट क्वालिटी क्या होगी? अपर बाउंड वाली। अपर बाउंड वाली क्या क्वालिटी होती है? ए एन लेस देन और इक्वल टू यू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। देखो पहली बात समझ आ गई आपको? देखो इसकी 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 फुल फॉर्म क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है। तो मान लो राजे, जैसे आपके फैमिली में, ठीक है, हम आप अगर हम फैमिली में, देखिए एक फैमिली है, फैमिली में हम एक कैटेगरी बनाए, बड़ों की कैटेगरी बनाए, तो बड़ों में जैसे आपके फादर आ जाएंगे, ठीक, मदर आ जाएंगे, ठीक, सपोज ग्रैंडफादर भी हैं आपकी फैमिली में, ठीक, एंड सपोज आपकी फैमिली में ग्रैंड मदर भी है, ठीक है। तो सपोज ग्रैंडफादर की, आपके ग्रैंडफादर की एज है 70, ठीक, ग्रैंड मदर की सपोज 65, ठीक है, फादर की है सपोज, ठीक है, 45, एंड मदर की सपोज एज है 40। तो ये है भाई अपर बाउंड वाली फैमिली, है ना, ये आपके बड़े हैं, ठीक है, आपके लिए ये अपर बाउंड, ये आपके लिए सारे बड़े हैं, आपके लिए मम्मा भी बड़े हैं, पापा भी बड़े हैं, ग्रैंडफादर भी बड़े हैं, ग्रैंड मदर भी बड़े, ठीक, क्योंकि आप बच्चों वाली कैटेगरी में आओगे। पर इन अपर बाउंड्स में से लीस्ट कौन है राजे? इन अपर बाउंड्स में से लीस्ट कौन है? आपके मदर। ये समझ आ गई बात? लीस्ट अपर बाउंड वो आप देखो, लीस्ट अपर बाउंड का मतलब ये नहीं वो आपसे छोटे हो गए, वो आपसे बड़े ही हैं, आपके मदर आपसे बड़े ही हैं, बट क्योंकि वो जो बड़ों वाली कैटेगरी है उनमें लीस्ट है, उनमें लीस्ट है, ठीक है। तो ये सपोज, ठीक है, तो ये अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड की क्या कंडीशन होती है राजे? अपर बाउंड की यही कंडीशन होती है ना राजे, सीक्वेंस की सारी टर्म्स यू से लेस हैं और इक्वल टू है,
ठीक है, ये एन क्या है, एन सपोज कर लो ये आपके चिल्ड्रन की सीक्वेंस, बच्चों वाली सीक्वेंस। तो बच्चों वाली सीक्वेंस के लिए राजे सारे के सारे बड़े ही क्या है, अपर बाउंड। जो बच्चों की, अगर हम बच्चों वाली कैटेगरी लें तो उनके लिए सारे बड़े ही क्या है, अपर बाउंड। बट उनमें से लीस्ट अपर बाउंड क्या है, आपके मदर। दूसरी कंडीशन राजे, दूसरी कंडीशन, लीस्ट अपर बाउंड की दूसरी कंडीशन क्या है, अगर इस यू में से मैं कुछ कम कर दूं, अगर मैं कुछ एप्सिलॉन माइनस कर दूं, ठीक, अगर इस यू में से कुछ एप्सिलॉन में माइनस कर दूं तो ये कंडीशन ब्रेक हो जाएगी, लेस देन से क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन। फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल, ये लीस्ट अपर बाउंड की डेफिनेशन है। ठीक, ये नोट कर लो, मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा देता हूं। ओके, ठीक, तो ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लें इसकी, फॉर एग्जांपल जैसे लीस्ट अपर बाउंड है ना, तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस एन ले लें, चलो वन प्लस वन बाय एन। ठीक, ये वाली जो सीक्वेंस है, नहीं, वन माइनस वन बाय एन है ना, अगर ये वाली सीक्वेंस लें, इसकी पहली टर्म क्या आएगी भाई, जीरो। ठीक, दूसरी टर्म क्या आएगी भाई इसकी, जल्दी जल्दी बता दो भाई, दूसरी टर्म क्या आएगी भाई इसकी, वन बाय टू आएगी। ठीक है, तीसरी टर्म क्या आएगी इसकी, वन माइनस टू बाय थ्री। ठीक, उससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, वन माइनस वन बाय फोर, वो कितना हो जाएगा, थ्री बाय फोर है ना। ठीक, तो ये सीक्वेंस आ रही है हमारे पास है ना, जीरो वन बाय टू। अच्छा, वन बाय टू तो सभी को पता है, पॉइंट फाइव लगभग है ना, टू टू बाय थ्री क्या होता है राजे, लगभग पॉइंट सिक्स है ना, 0.67 समथिंग अप्रोक्सीमेटली। 3/4 क्या होता है राजे, लगभग 0.75 लगभग है ना। अच्छा, इससे अगली टर्म भी अगर मैं लिखूं राजे, 4/5 आएगी। ठीक है, तो 4/5 क्या होता है, लगभग 0.8। क्या ये इंक्रीज कर रही है सीक्वेंस, क्या ये इंक्रीज कर रही है सीक्वेंस। अच्छा, कन्वर्ज कहां पर करेगी, कन्वर्ज कहां पर करेगी, वन पर करेगी, वेरी गुड, कहां पर कन्वर्ज करेगी, वन पर करेगी है ना। तो जो हमारी थ्योरम है राजे, थ्योरम क्या थी राजे, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर वो कन्वर्जेंट है तो क्या होगी फिर, वो बाउंडेड अबव भी होगी। क्या ये बाउंडेड अबव है,
यस, किसके साथ बाउंडेड अबव है? वन के साथ, वेरी गुड। ये किसके साथ बाउंडेड अबव है? वन के साथ, है ना। तो ये वाली जो सीक्वेंस है ये है बाउंडेड अबव विद वन, ठीक। और एक्चुअली में इसकी यही लीस्ट अपर बाउंड है, यही इसकी लीस्ट अपर बाउंड है। अच्छा अब ये देखो राजी, क्या इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई की, सीक्वेंस की सारी टर्म्स क्या वन से लेस हैं? ओके। नंबर टू, अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर दूं, ठीक है, इसमें से कुछ मैं एप्सिलॉन माइनस कर दूं, है ना, जैसे मैंने सपोज एप्सिलॉन ले लिया, जैसे कुछ मैंने एप्सिलॉन ले लिया 0.1, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा राजे, वन में से 0.1 चला गया राजे, क्या आएगा? 0.9 आ जाएगा, ठीक। तो रूल क्या था राजे, ए एम, ठीक है, या ए एन क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन, ये साइन चेंज हो जाना चाहिए वन माइनस एप्सिलॉन से। क्या कोई सीक्वेंस की ऐसी टर्म है, क्या कोई सीक्वेंस की ऐसी टर्म है जो 0.9 से बड़ी आएगी? देखो वन माइनस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आई, 0.9 ना राजे, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। देखो वन सीक्वेंस के हमें क्या चाहिए, ए एन ग्रेटर देन वन माइनस एप्सिलॉन। तो ए एन क्या है, वन माइनस वन बाय एन, ठीक। वन माइनस एप्सिलॉन क्या की वैल्यू क्या आई थी, 0.9 आई थी, यस और नो? तो मतलब ये है 9/10, ठीक। तो माइनस वन बाय नाइन ग्रेटर देन 9/10 माइनस वन, तो ये कितना आ रहा है राजे, माइनस वन बाय टेन, ठीक। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये लेस आ जाएगा, ठीक। और यहां से एन क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 10। मतलब अगर आपने एन की वैल्यू 10 से बड़ी ली, ठीक है, और एन ग्रेटर देन 10, ए एन किससे बड़ा हो जाएगा, वन माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर अजय 11th टर्म आपकी जो आएगी, मैं चेक ही कर लेता हूँ, वन माइनस वन बाई 11, ठीक, ये आ रहा है 10/11, ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ रहा है, ठीक है, पहले 0 फिर 100, ये आ रहा है कुछ 9, ठीक है, तो ये 99, फिर 1, फिर 0.90 कुछ, ठीक है, फिर 99, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है ना। तो खुद ही देख लो राजे, क्या ये वाली दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या ये ग्रेटर देन वन माइनस एप्सिलॉन है, यस और नो? क्या 0.909 ये जो आ रहा है, क्या ये 0.9 से बड़ा है, यस और नो? ठीक, बस ये कंडीशन क्या है लीस्ट अपर बाउंड की, कुछ ऐसा एन मिल जाएगा। एन क्या मिला हमें, 11, ठीक है, कुछ ऐसा एन मिल जाएगा, लीस्ट अपर बाउंड, समझ आ गया? ओके, ये नोट कर लिया ये वाला आपने? ओके, ये वाला भी नोट कर लिया? हाँ कर लो भी, जल्दी नोट कर लें। ठीक, तो एक्चुअली मैं ये मैं आपको डेफिनेशन बता रहा था लीस्ट अपर बाउंड की, ये डेफिनेशन भी नोट कर लिया आपने? ठीक, ओके। तो एक्चुअली में हम ये थ्योरम कर रहे थे भी, लेट मोनोटोनिकली, यहाँ पे मैं इंक्रीजिंग वर्ड यूज करूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव है, और मान लो उसके लीस्ट अपर बाउंड यू है,
ठीक, हमने टू शो क्या करना है राजे कन्वर्स में, क्या टू शो करना है बी? ये जो सीक्वेंस है कहां पर कन्वर्ज करेगी? कन्वर्ज टू लीस्ट अपर बाउंड यू, ठीक है, कहां पर कन्वर्ज करेगी? एक तो कन्वर्ज शो करना है और एक शो करना है एल यू बी पर कन्वर्ज करेगी। ठीक, तो करे राजे प्रूफ इसका। ओके, ये नोट कर लिया ये वाला पेज। ओके, बड़ा ही सिंपल प्रूफ है राजे इसका। एज फॉर गिवन, देखो हमने राजे यू को क्या लिया है, एल यू बी ना राजे, तो पहली बात ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सारी की सारी टर्म यू से छोटी होंगी, ठीक है, अपर बाउंड वाली कंडीशन। दूसरा राजे, अगर मैंने यू में से कुछ एप्सिलॉन माइनस किया तो ये वाला सिंबल क्या हो जाएगा, लेस देन का सिंबल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन में, ठीक है, बट सभी के लिए नहीं, फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अगर मैं कुछ एप्सिलॉन लूं ग्रेटर देन जीरो तो पक्का कुछ ना कुछ एम मिल जाएगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, ठीक है, ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, ए एम ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन, ठीक, इसे इक्वेशन नंबर वन बोल दो। नाउ सीक्वेंस क्या दे रखी है हमें, सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली क्या दे रखी है भाई, इंक्रीजिंग, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो क्या होगा राजे बताओ, राजे ए वन और ए टू, ए टू ए वन से बड़ी होगी, यस और नो? तो मैंने डायग्राम सही बनाई ना राजे, डायग्राम में ए टू ए वन से राइट हैंड साइड पर आएगा ना, ठीक, और मान लो यहां पर एम है और इसके आगे एन, ठीक है, है ना, तो ये ए एम ए एन से आगे, सॉरी ए एम ए एन से पीछे। तो अगर आपकी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो जैसे इनका इंडेक्स देखो राजे, इंडेक्स क्या है, जैसे टू क्या है ग्रेटर देन वन, तो ए टू भी ग्रेटर देन ए वन है, तो अगर एन एम से बड़ा है तो भाई ए एन भी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एम, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट लगाकर इसको समझो राजे, टू ग्रेटर देन वन है तो ए टू भी ग्रेटर देन ए वन, तो उसको कंपेयर करके इससे ये समझ लो ए एन ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एम, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, ये सेकंड इक्वेशन बता दो, क्लियर है सभी को? ओके, नोट कर लो भी इससे, जल्दी से नोट कर लें। ओके, ठीक है, तो इसके बाद देखो राजे, फ्रॉम वन एंड टू देखो, ए एन है ग्रेटर देन और इक्वल टू ए एम फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एंड ए एम क्या है ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन फॉर ऑल, है ना ये, ठीक है, तो क्या होगा फिर, ए एन ये ए एम से बड़ा है, ए एम इससे बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा फिर, सो देयर फोर ए एन किससे ग्रेटर देन आ जाएगा, यू माइनस एप्सिलॉन, बताओ रे ये क्लियर है राजे, दोनों को यूज करके ऐसा लिख सकता हूं? ओके, नाउ देखो ए एन लेस देन और इक्वल टू यू था, यस और नो, और u किससे लेस देन होगा, u प्लस एप्सिलॉन से, यस और नो, ठीक, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली
ये जो ए एन है ये लेस देन आ गया यू प्लस एप्सिलॉन। ठीक, यहां तक नोट कर लो भी जल्दी। ओके तो लास्ट राजे लास्ट आ गया थ्योरम का, खत्म होने जा रही है। सो देयर फोर देखो, ये हमने अभी अभी प्रूफ किया, ए एन ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन। ठीक, एंड ए एन लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन। ठीक, तो इन दोनों का कॉमन क्या होगा भाई, इन दोनों का कॉमन क्या है? ठीक, इन दोनों का कॉमन क्या आएगा रजे? अच्छा, इसको इंडिया मान लो, ये इंडिया है, ठीक है, ये सॉरी ये वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड है, ये है इंडिया, ठीक है। तो ये वाला कह रहा है भी मैंने पूरे पूरे वर्ल्ड में कहीं भी फैक्ट्री लगा लो, और ये वाला कह रहा है मैंने तो इंडिया में फैक्ट्री लगानी। तो दोनों का कॉमन क्या होगा राजे? एक ने तो खुली छूट दे दी, पूरी पूरे दुनिया में कहीं भी फैक्ट्री लगा लो, और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वाला कह रहा है फैक्ट्री लगाऊंगा तो इंडिया में ही लगाऊंगा। तो कॉमन क्या आएगा राजे दोनों का? इंडिया आएगा। ओके, तो दोनों का कॉमन क्या आएगा? तो फैक्ट्री लगेगी कहाँ लगेगी? कॉमन में, दोनों के कॉमन में। तो देखो दोनों की बात पूरी होगी है ना, ए एन ग्रेटर देन यू माइनस एप्सिलॉन होगा, ए एन लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन होगा, दोनों की बात पूरी होगी। पर कहां पर पूरी होगी? कॉमन जगह पर। दोनों की कॉमन जगह क्या है? इंडिया। भाई दोनों की कॉमन जगह क्या है? इंडिया। ये समझ आ गया आपको? ओके, अब राजे यू सब्ट्रैक्ट कर दो, यू सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक, सभी तरफ। एंड अब या इस पर राजे कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है? ए एन माइनस यू का मोड लेस देन एप्सिलॉन। कैसा लिख सकता हूं मैं इसे? ठीक, तो ये क्या शो कर रहा है भी, ए एन वाली सीक्वेंस कहां पर कन्वर्ज करेगी? यू पर। यू क्या है? लीस्ट अपर बाउंड, यही तो शो करना था, है ना? हेंस प्रूव्ड। भी नोट कर लें जल्दी से इसे। हाँ जी, नोटेड। ओके ठीक है राजे, आज के लिए इतना ही। इसकी जो एग्जांपल्स है वो हम कल करेंगे, ठीक। लिख लिया बाकियों ने भी? प्रदीप लिख लिया आपने?